फेड की दो दिन की बैठक आज से होगी शुरू। ब्याज दरें बढ़ने की संभावना कम। बैठक से पहले सोने चांदी में गिरावट। सोना दो हफ्ते के निचले स्तर पर। दो महीने में इंडोनेशिया से 600 किलो से ज्यादा गोल्ड का इंपोर्ट। दक्षिण कोरिया से इंपोर्ट पाबंदी के बाद इंडोनेशिया नया ठिकाना। सरकार गोल्ड को एफटीए से कर सकती है बाहर। शेयर की तरह अब कमोडिटी का भी होगा ट्रांसफर। अगले हफ्ते कमोडिटी रिपोजिटरी होगा एनसीडीएस पर लॉन्च। एनईआरएल और सीडीएसएल को वेयरहाउस के लिए मिली मंजूरी। 5 दिन के बाद शुरू हुआ नासिक में प्याज का कारोबार। इनकम टैक्स के छापे के विरोध में कारोबारियों ने किया था बंद। लासलगांव और चांदवाड़ा में शुरू हुई प्याज की नीलामी। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार पर दबाव। निफ्टी ने इंट्राडे में 10,178 का नया रिकॉर्ड छुआ। बैंक मेटल शेयरों पर हल्का दबाव। ऑटो ने भरी रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं, आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि 10 साल पहले जो आइडिया आया था कमोडिटी मार्केट को लेकर के, अब वो इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। और 10 साल के बाद कमोडिटी में रिपोजिटरी सर्विस अब शुरू होने वाली है। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं इस वक्त की, यानी एग्री वायदा में गोलमाल रोकने के लिए एक बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। शेयर की तरफ अब कमोडिटी का भी ट्रांसफर हो सकेगा। आपको बता दें गोदामों में अब कमोडिटी की हेराफेरी नहीं हो पाएगी, इस बात की संभावना बनी है। और हर एक्सचेंज का अब एक ही गोदाम होगा, यानी एक गोदाम में अलग अलग एक्सचेंज के माल भी जमा होंगे जो ट्रेड होगा। फिलहाल हर एक्सचेंज का अपना अलग गोदाम होता है, जिसमें काफ़ी हेराफेरी की खबरें हाल के दिनों में आई हैं, जिससे कमोडिटी मार्केट के ऊपर लोगों का भरोसा कम हुआ था। WDRA ने दो वेयरहाउस को मंजूरी दी है। एक NCDX की सब्सिडियरी है और दूसरा BSE की सब्सिडियरी है। NERL और CDSL को यहाँ पर मंजूरी मिली है। NCDX 26 सितंबर को इसे लॉन्च करेगा, तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक मित्तल हैं, ऑल इंडिया फ्यूचर ट्रेड एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, और साथ ही हमारे साथ CPI के पास्ट प्रेसिडेंट BK सबरवाल हैं। इन दोनों जानकारों से हम ये जानेंगे कि रिपोजिटरी शुरू होने का कितना बड़ा इम्पैक्ट एग्री कमोडिटी के वायदा कारोबार पर पड़ने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अशोक मित्तल, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि 10 साल पहले ये आइडिया जनरेट हुआ था कि कमोडिटी में भी रिपोजिटरी सिस्टम लाया जाए, शेयर की तरह यहां भी अब ट्रांसफर हो पाएगा, कितना बड़ा फायदा आप देखते हैं इससे? संजय, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि शुरू में जब कमोडिटी वायदा स्टार्ट हुआ था तो उस समय पर जो डिपोजिटरी थी, मतलब डीमेट था, कमोडिटी डीमेट में लोग जमा कर रहे थे NSDL CDSL में, फिर वो लीगल हर्डल्स के चलते वहां से बंद कर दिया गया और सब एक्सचेंजेस ने अपना अपना एक तरीके से शुरू कर लिया कि एक्सचेंज का अपना एक डीमेट सिस्टम है, जिसको जैसे NCDX में कॉम्ट्रैक्ट सिस्टम बोलते हैं। अब अगर ये रिपोजिटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो दैट इज वो मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा कि समझ लीजिए कोई भी कमोडिटी या कोई भी अंडरलाइन कमोडिटी किसी भी एक्सचेंज में आप डिलीवरी लें या दें, वो एक डीमेट अकाउंट में आप जमा करा सकेंगे। इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर हर एक्सचेंज के लिए अलग अलग आपको डीमेट अकाउंट या जिसको जैसे NCDX में कॉम्ट्रैक्ट अकाउंट था वो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और ये सिस्टम ऐसा हो गया कि जो अलग से, मतलब लीगली एक्सेप्टेबल सिस्टम है कानून के द्वारा, इसमें अगर आप जमा कराएंगे तो दिस इज एट पार विद NSDL और CDSL। मेरे ख्याल से कमोडिटी, पूरे कमोडिटी वायदा व्यापार के लिए, भले वो एग्री है या नॉन एग्री है, ये बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। इससे ना सिर्फ लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि हम जो डीमेट में रख रहे हैं वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है, बट एट द सेम टाइम एक दूसरा स्टेप जो है कि कमोडिटीज में लोगों को काफी फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये जो सिस्टम है उससे फिर जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं, उनको फाइनेंस करने में भी बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। ठीक है, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ BK सबरवाल भी हैं फोन लाइन पर। मिस्टर सबरवाल, आपका व्यू क्या होगा? जो गोलमाल की खबरें आती थी, खास करके एग्री कमोडिटी में ऐसे मामले ज्यादा पकड़े गए हैं, कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि वेयरहाउस में माल की अदला बदली हो रही है,
या फिर एनएससीएल का जब मामला आया था तो ये कहा जा रहा था कि वेयरहाउस में माल ही नहीं है, क्या ये तमाम दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी? निश्चित रूप से ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। पहले मैं थोड़ी सी भूमिका आपको दे दूं कि WDRA शायद 26 तारीख को इसको लॉन्च करने की सोच रहा है। NCDX और CDSL को इसकी परमिशन मिली है। और साधारण भाषा में अगर आपके दर्शकों को समझाया जाए तो ऐसा है कि जैसा शेयर में डीमैट अकाउंट में एक बार शेयर आ गए उसके बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, उसी तरह ब्रोकर्स को और इन्वेस्टर की चिंता निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। ये फ्री जो इसकी रिसीप्ट होगी वो जैसा अशोक जी बता रहे थे फ्रीली ट्रेडेबल भी होगी, फाइनेंस भी हम ले सकेंगे बैंकों द्वारा, आगे ये स्टेप भी आ पाएगा। और एक दूसरे को जो सबसे बड़ा ब्रोकर या इन्वेस्टर को फायदा होगा, पहले फिजिकल डिलीवरी उठानी पड़ती थी और फिर बेचनी पड़ती थी, अब ये जो डीमैट की रसीद है यही फ्रीली ट्रेडेबल हो जाएगी। और इसके बाद इन्वेस्टर की या मेंबर की जिम्मेवारी न रहकर अब वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेवारी होगी। ठीक है। और जो आपने शब्द यूज किए थे कि जैसा NSCL वाला घपला हो गया था वो संभावनाएं, और जब WDRA बीच में है जो रेगुलेटर है इसका, वो संभावनाएं लगभग जीरो हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन अशोक मित्तल जी, जो बात यहाँ पर सबरवाल जी ने भी कही, आपने भी कही, लेकिन क्या ये माना जाए? क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि कुछ बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो फ्यूचर मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डिपॉजिट के जरिए हो या फिर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर हो, ऐसे कई मामले सामने आए भी हैं, पकड़े भी गए हैं। तो क्या अब उन लोगों का रुझान एग्री में कम हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि इससे क्या होगा, लोगों का जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल है कमोडिटी मार्केट में, खासतौर पे फिजिकल कमोडिटी की लेन देन में, व्यापार करने में, ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और उससे ना सिर्फ उन, देखिए जो आदमी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं उसको छोड़ के, जो आदमी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फिजिकल डिलीवरी लेना देना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मैनिपुलेट करने के पर्पज से आते थे फ्यूचर मार्केट में, क्या अब वो दूरी बना लेंगे? क्रेज रहेंगे, क्योंकि इसमें वो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो पहले थी काफी कम हो जाएगी, बिकॉज ये सिस्टम काफी अलग है। दूसरी बात, जैसे पहले मान लीजिए NCDX एक तरीके से अगर हम कॉम्ट्रैक्ट सिस्टम की बात करें, क्योंकि वही एकमात्र सिस्टम अभी तक था जो इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज था, बाकी सब बाकी एक्सचेंज में फिजिकल कमोडिटीज में फिजिकल वेयर हाउस रिसीट या स्टोरेज रिसीट के माध्यम से काम होता था। तो अब सिर्फ NCDX में कॉम्ट्रैक्ट सिस्टम था जो ऑलमोस्ट डीमैट के सिमिलर था, लेकिन उसमें क्या था कि लोगों को या इंस्टीट्यूशन को लगता था कि वो एक NCDX का इंटरनल सिस्टम है जी। लेकिन अब ये सिस्टम कॉमनली एक्सेप्टेबल हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बड़ा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब तक जो बात अशोक मित्तल ने कही बिल्कुल सही है कि अब तक ये माना जाता था कि एक्सचेंज का अपना इंटरनल सिस्टम है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा कम था और उसका इम्पैक्ट हम देखते भी थे, लेकिन अब ये एक कॉमन हो जाएगा। लेकिन सबरवाल साहब, अगर ओवरऑल कमोडिटी फ्यूचर मार्केट की बात करें, एग्री वायदा की बात करें, तो आपके हिसाब से इस फैसले के बाद कितना बड़ा बूस्टर मिलने वाला है, और क्या आपको लगता है कि चूंकि एग्री का वॉल्यूम काफी गिरा है पिछले 5 साल में, एग्री वायदा का वॉल्यूम करीब 3 गुना तक कम हो गया है, काफी गिरावट आई है, क्या उसमें एक बड़ी रिकवरी आप देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से, देखिए जो एग्री का वायदा में गिरावट आई उसके बहुत कारण थे, जो आप कई बार आपके चैनल के द्वारा जो एक्सचेंज में धांधलियां होती थी उसको आप बराबर हाईलाइट भी करते रहते थे, आगे भी करते रहेंगे ऐसी कोई धांधली पकड़ी गई तो ना। अब क्योंकि 2-3 बातें हो गई, पहले एक्सचेंज फुल्ली रेगुलेटेड नहीं थे, FMC के पास पूरा रेगुलेशन नहीं था, अब एक SEBI से पूरा रेगुलेटेड है, दूसरा WDRA से भी वेयर हाउसेज अब रेगुलेटेड हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से
बाजार में कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा, ठीक है और वॉल्यूम मेरे हिसाब से बढ़ेगा, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बीके सबरवाल और अशोक मित्तल आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस खबर का कितना बड़ा फायदा, कितना बड़ा इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट के ऊपर दिखने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। और खबर यह है कि फेड की 2 दिन की बैठक आज से शुरू हो रही है। दुनिया भर के बाजारों की नजरें फेड की इस मीटिंग पर टिकी हुई है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ रेनिशा चेनानी है अहमदाबाद से, हमारे साथ जुड़ी है मोनार कैपिटल की, और साथ ही हमारे साथ हरीश जी हैं इंडिट्रेड डेरिवेटिव के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रेनिशा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि फेड की बैठक से ठीक पहले बुलियन का मार्केट दबाव में ट्रेड कर रहा है, क्या ये दबाव इंट्राडे के कारोबार में और बढ़ने वाला है? हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। जो गोल्ड सिल्वर में हम सेल ऑफ देख रहे हैं इस हफ्ते या पिछले 1-2 दिनों से, इट इज बिकॉज के मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो रिस्क ऑन मोड में जा चुका है, जहां पे हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स एंड रिस्की एसेट्स में बाइंग आ रही है। सो मनी इज शिफ्टिंग फ्रॉम कमोडिटीज टू इक्विटीज। इस वजह से हमने गोल्ड में देखा है ऑलमोस्ट $50 जितना सेल ऑफ आ चुका है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत आज प्राइजेस को थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड हो सकती है एंड थोड़ा संभल सकती है करंट प्राइजेस से। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा सेल ऑफ अभी और आना चाहिए। ये करेक्शन जो आया, इट वॉज अ हेल्दी करेक्शन इन बुलिश मार्केट। फेड की मीटिंग में एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार तो कोई रेट हाइक नहीं होगा, बट दिसंबर में 55-60% प्रोबेबिलिटी है रेट हाई की। एंड अभी जो $40 billion का जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसमें टेपरिंग हो सकता है, वो इस बार की एक्सपेक्टेशन है जो कल आ सकती है। सो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन फेस में प्राइसेस ट्रेड करेगी। इंट्राडे में मैं बाइंग का रिकमेंडेशन दूंगी अगर बुलियन की गोल्ड की प्राइसेस 29,850 के ऊपर सस्टेन करती है तो हम सॉरी 29,500 के ऊपर और 550 के ऊपर सस्टेन करती है तो ये करंट प्राइसेस पे भी बाइंग की जा सकती है। हम यहाँ से 150-200 रुपए तक की अपसाइड देख सकते हैं। इवन सिल्वर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ से प्राइसेस करंट लेवल्स पे सस्टेन कर दिया तो 300-400 रुपए तक की तेजी देखी जा सकती है। ओके, ठीक है। हरीश जी, आपका टेक्निकल चार्ट फेड की मीटिंग से पहले बुलियन को लेकर क्या कहता है? क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर बाई करके चलना बेहतर होगा गोल्ड और सिल्वर में? Hi Mrityunjay, good morning. Well, I think we've seen a very consistent upside movement. I mean gold prices. तो वहाँ से जो correction चल रहा है, I think इसमें और भी थोड़ा बहुत downside बाकी है. And if you look at the fundamentals of news flow at this moment, now everybody is looking at Fed. डेफिनेटली जो क्वांटिटेटिव नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है तो दैट विल सक द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट्स, वेयर बाय जो गोल्ड या सिमिलर एसेट्स का इसमें जो फ्लो है वो कम होने का चांसेस है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक ये जो अभी $1,305-1,307 का जो इंटरनेशनल गोल्ड चल रहा है वो 1,290-1,295 तक आके एक बार रुकने का चांसेस लग रहा है। एज फार एज नेक्स्ट 1-2 सेशन स्ट्रेटेजी इज कंसर्न्ड, वी प्रीफर सेलिंग ऑन रैलीज, 29,200-250 लाइकली टारगेट जी। रेनिशा, आपका व्यू सिल्वर को लेकर क्या होगा? क्या चांदी में भी अभी आपको कुछ तेजी की उम्मीद दिख रही है? जिस तरह से बेस मेटल्स में भी थोड़ा सेल ऑफ आया था, प्रॉफिट बुकिंग आया था, बट अभी प्राइसेस संभली है 1-2 दिनों से, थोड़ा उसमें रिकवरी हम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है सिल्वर में भी रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। एंड इनफैक्ट ऐसा जैसे मैंने कहा कि 850 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करती है 850-940,900 के ऊपर तो हम बाइंग कर सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है 300-400 रुपए तक ही इंट्राडे बाइंग आ सकती है। बस यस, ओवरऑल जो व्यू है वो कंसोलिडेशन का रहेगा। हम ऊपर की लेवल्स शायद प्राइसेस को सस्टेन करते हुए ना देखें एंड सेलिंग भी आ सकती है। सो सेल ऑन रैलीज एंड बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा।